हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी जनपथ मार्केट, तो सोचा आप लोगों को भी टूर कराऊं इस मार्केट का। एंड एज यू नो दिस मार्केट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड इट रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ दिल्ली विच इज़ द सेंट्रल दिल्ली, सीपी के बिल्कुल पास है। और ये वाला नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक का, और इसी गेट से बाहर आ सकते हो और बाहर आके ये मार्केट हमारी स्टार्ट जाती है। बाहर मेन रोड है, वहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जो बाहर मेन रोड पे ही है। और इसी मेन रोड से सीधा सीधा आप जाओगे तो आगे जनपथ मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इस मार्केट में आप देख सकते हो अलग अलग टाइप की कुर्तीज एंड जैसे ये लखनवी वाली कुर्तीज की शॉप थी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, होम डेकोर का सामान। और एक और एक ही शॉप आई थी जहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत सुंदर कॉर्ड सेट्स, टॉप और काफ़ी सुंदर चिकनकारी वाले छोटे छोटे टॉप थे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ फ्यूजन इंडो वेस्टर्न वेयर, ये देखो श्रग के साथ एक कट डिज़ाइन के थे, प्लाजो थे साथ में मैचिंग, तो ये काफ़ी सारे वेरियंट्स में काफ़ी सारे स्टाइल्स में थे। दिस वॉज द नेम ऑफ द शॉप एंड दिस शॉप कलेक्शन वॉज रियली नाइस एज ए लूज लूज प्रिंटेड प्लाजो विद वाइट प्लेन शॉर्ट कुर्तीज के साथ अगर आप पेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। इट लुक्स रियली रियली नाइस एंड काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी शॉप की, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आगे जाके भी ये बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ से हमारी मेन मार्केट स्टार्ट हो जाती है, ये छोटा सा आपको एंट्री गेट मिलेगा जहाँ बैरिगेट्स हैं और यहाँ से कपड़ों की मार्केट शुरू हो जाती है। छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे आपको घर पहनने वाले कपड़े। और एक ये मेरे को होम डेकोर वाली शॉप बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो इवल आई के बहुत सारे लॉकेट्स लगे हुए थे। और मैं देख रही थी ये वाले सारे हुप्स, वो नजरिया वाले हुप्स होते हैं, ये बहुत बोहिमियन स्टाइल के बने हुए थे, यू कैन पुट देम आउटसाइड योर डोर और एनीथिंग लाइक दैट। और ये पैरट्स देख रहे हो, ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये साथ में बोल थे, ये बहुत अच्छे थे, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू होम डेकोर यू विल गेट। एंड दीज 3D काइंड ऑफ वॉल फ्लावर्स जो आप वॉल्स पे हैंग कर सकते हो, दैट ऑल्सो लुक्स नाइस। एंड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज बोहिमियन स्टाइल मिरर्स, इनफैक्ट मैं भैया से पूछ भी रही थी। एंड ये छोटे वाले का कोट कर रहा था 650 और जो ऊपर ब्राउन वाला कट लटका हुआ है उसका कोट कर रहे थे भैया 850 रुपीज। इसी सिमिलरली काफी सारे विंड चार्म्स, वॉल चार्म्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। एंड ये नेक्स्ट ज्वेलरी शॉप थी। इन दिस मार्केट आपको एंडलेस ज्वेलरी मिलेगी अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो ये सिल्वर ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। सो यू विल गेट एन नंबर ऑफ इयर रिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ ज्वेलरी यू आर सर्चिंग फॉर आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली है। इतने सुंदर चोकर थे, अगर आपको बोहो स्टाइल ज्वेलरी बहुत पसंद है, जस्ट लुक एट इट, लंबे लंबे स्टाइल के लॉकेट्स, लंबे लंबे लॉकेट्स वाले नेक पीसेस थे, नेक चेन्स थी। एंड इवन अगर आपको चोकर में इंटरेस्टेड है वो भी मिल जाएंगे, झुमकास। एंड ये सुंदर, कितने सुंदर ये एंशियंट टाइप्स के बोहो ज्वेलरी यार, ये बहुत सुंदर लगती है इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। एंड जस्ट लुक एट दीज पीसेज, ये जूट वाले तो बहुत ज्यादा सुंदर थे, इनफैक्ट मुझे ये ब्लैक वाला इतना सुंदर लग रहा था। आई आस्क्ड भैया अबाउट द प्राइस ऑफ दिस वन एंड ही वाज सेइंग 1050, बट आई एम श्योर आई थिंक थोड़ा बहुत वो रेट कर सकते हैं, बट दिस शॉप वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्स प्राइजेस, बट ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज ट्राई। एंड काफी सारे बोहिमियन मिरर्स तो आपको काफी सारे शॉप्स पे मिल जाएंगे और यहाँ पे वाली शॉप पे भी बहुत सुंदर बने हुए थे। सो यू कैन जस्ट चेक आउट द कलेक्शन एंड जस्ट लुक एट दीज डोर हैंडल्स, ये मून वाला हाफ मून शेप का इतना सुंदर लग रहा था, यू कैन हैंग दीज ऑन द डोर्स एंड दिस लुक्स रियली नाइस। इन फैक्ट द बेस्ट थिंग इज ये छोटे राउंड वाले में वो इवल आई का साइन भी था, सो यू कैन हैंग दीज एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर हाउस एंड एवरीथिंग फ्रॉम नजर। प्राइसेस भैया 250-300 की कोट कर रहे थे, बट एंड में आई थिंक वो 200 पे अग्री कर गए थे। और ये होम डेकोर की और भी बहुत चीज़ें हैं, देखो ये एंशियंट स्टाइल की, अगर आपके घर में कोई वेडिंग है, कोई फंक्शंस है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन हैंग। ये गुड्डा गुड्डी बने हुए थे, दीज वो वेरी क्यूट एंड दीज काइंड ऑफ बेल्स। और ये नेक्स्ट शॉप पे ही ना मैंने ये बहुत स्मार्ट सी पैंट्स देखी थी, ये ट्यूलिप धोती स्टाइल पैंट्स थी, ये बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट इन माय साइज, बट इफ़ यू रियली लाइक देम यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। एंड ये काफ़ी स्टाइल की मैक्सी ड्रेसेस थी शॉप पे, काफ़ी स्टाइल के शॉर्ट्स वगैरह थी एंड एवरीथिंग। एंड इन ड्रेसेस का भी ना प्राइस भैया कोट करे थे 1200 का, बट आई थिंक इजिली 600-700 में आपको दे देंगे इफ़ यू कैन बार्गेन। एंड ये शॉर्ट ड्रेसेस भी थी, ये वर भी दीज वर ऑल्सो ही वॉज सेइंग 1200। देखो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी बार्गेनिंग हो जाती है, ये टोटली depends on your skills and but ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, you have to pick your stuff very smartly क्योंकि कभी कभी damaged pieces भी होते हैं, so you have to be very much careful about these kind of things। और shirts वगैरह मतलब everyday day to day के normal clothings अगर आपको चाहिए तो you will get this kind of stuff in the market। and in fact loose loose cotton shirts से बहुत smart थी, ऐसी cotton में काफ़ी सारी crop shirts भी पड़ी हुई थी, this one also I was really liking। तो काफ़ी सारा ऐसे type का आपको tops wops मिल जाएंगे, ये linen type की shirt थी, crop shirt again ये भी बहुत अच्छी थी beige color। now in crop shirt के भी भैया वगैरह 600-700 कोट कर रहे थे, बट आई थिंक 250-300 में इजिली आपको मिल जाएगा। मटेरियल एंड क्वालिटी सब पीसेस की डिफरेंट होती है, सो यू हैव टू चेक द पीसेस वेरी केयर।
बहुत अच्छे फैब्रिक में, लिनन फैब्रिक में, कॉटन लिनन में फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स शर्ट्स भी मिल रही थी, सो दीज वर वेरी नाइस। एंड ऐसे टॉप शर्ट्स एंड फुल स्लीव्स के टॉप्स और शर्ट्स ऑफ मैक्सी ड्रेसेस काफी सारी यहाँ पे मिल ही जाएंगी आपको। और इनके भी भैया इजिली 300 में तो रेडी हो ही गए थे, सारी टाइप की जो शर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो तो इजिली दे रहे थे। और ये फुल ड्रेस थी, ये डेनिम मटेरियल की थी, काफ्तान मटेरियल, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये भी भैया 1500-1200 बोल रहे थे बट एंड में इजिली वो 700 में मान गए थे। सो यही ऐसे करना पड़ता है, आप थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो डेफिनेटली वो लोग मान जाएंगे। और ये मैक्सी ड्रेसेस भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये फुल लेंथ की काफी सारी इनके पास कलेक्शन थी एंड ये भी अच्छी थी। कुछ कुछ मटेरियल अच्छा होता है, कुछ कुछ टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ये ऑफ व्हाइट वाला ट्यूनिक सा पड़ा हुआ है लॉन्ग वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा था एंड इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। और ये नॉर्मल कैजुअल शॉर्ट्स तो बहुत सारी थी। और ये नेक्स्ट शॉप में भी थी, इनके पास भी काफी सारी मैक्सी ड्रेसेस की कलेक्शन थी, शॉर्ट ड्रेसेस की कलेक्शन थी, काफ्तान्स थे। और ये वाली शॉर्ट ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी बट यही है कि साइजेस और पीस सही है कि नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट इनकी क्वालिटी अच्छी ही थी। आई थिंक रेगुलर वेयर के लिए, ऑफिस गोइंग के लिए ऐसे शर्ट्स वगैरह प्रिंटेड में आपको काफ़ी सारे और वैरायटी मिल ही जाएगी। एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, मार्केट की कलेक्शन हमेशा चेंज होती ही रहती है। एंड ऐसे ही आगे चलते हुए यहाँ पे जूट बैग्स वगैरह भी थे, इवन जूट में ही स्लिंग बैग्स वगैरह भी थे। ये फुल साइजेस बैग्स हैं जिसमें आप कुछ भी सामान लेके जा सकते हो। और ये छोटे छोटे स्लिंग बैग्स थे कॉटन मटेरियल के, हैंडलूम मटेरियल जिसको कहते हो, इट वॉज रियली रियली नाइस एंड ईजिली 200-250 की रेंज में ये लोग दे रहे थे। और जो बड़े वाले फुल साइज के जूट बैग्स थे वो आई थिंक 250-300 की रेंज में दे रहे थे। दीज यू कैन टेक टू कैरी योर डेली वेजिटेबल्स या फिर ग्रोसरी या फिर अपने टिफिन वगैरह, आपको ऑफिस में कैरी करना तो इस टाइप के बैग्स में आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। एंड सामने चलते हुए एक और शॉप मिल गई थी होम डेकोर की, जहाँ पे ये बाहर डोर में आप बेल्ट वगैरह हैंग कर सकते हो। और ये ना वेस्ट बेल्ट्स थी, ये जो आप देख रहे हो ना बीडेड वाली वेस्ट बेल्ट्स थी, इनको आप बहुत ही डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। एंड इयररिंग्स, झुमकास की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये बाहर तो बार्गेनिंग बहुत इजीली कर लेते हैं बट अंदर वाला कुछ कुछ कलेक्शन होता है जिसपे वो ये लोग बिल्कुल लड़ जाते हैं। बट आई एम श्योर अगर आप बोलोगे और इंटरेस्ट शो करोगे तो डेफिनेटली मान जाएंगे। जैसे ये लॉन्ग वाले चेन्स वाले बहुत सुंदर लग रहे थे, लाइट वेट भी थे एंड ही वो सेम 300। एंड ये काफ़ी ज़्यादा, ये नॉट वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, आई थिंक 700-800 कोट करे थे बट आई डोंट आस्क फॉर द डिस्काउंट प्राइजेस। सो मे बी अगर आप अच्छे से बोलोगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट दे देंगे। और काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स और चूड़ियाँ और ये सब भी थे। सो बहुत स्टाइल की ज्वेलरी तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी इस मार्केट में। एंड ऐसे ही इस मार्केट में कॉट सेट्स वगैरह भी लगे हुए थे, आप देख सकते हो ड्रेसेस, कॉटन ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, फुल ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस बहुत सारी मिल रही थी। और ये कॉट सेट में ये आपको क्रॉप टॉप विद प्लाजो भी मिल रहा था। ये बीच स्टाइल के ना क्रॉप वाले में क्रोशिया डिटेलिंग वाले टॉप्स भी मिल रहे थे, ये भी आई थिंक 250-300 की रेंज में थे। और ये ट्यूनिक्स, लूज लूज शर्ट्स, क्रॉप शर्ट्स वगैरह भी थी। अगेन हर एक शॉप वाला डिफरेंट प्राइसेस कोट करता है बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा बोलोगे, ट्राई करोगे तो बहुत इजीली मान जाएंगे। जनरली ड्रेसेस वगैरह आपको 700-800 में इजीली मिल जाएंगी और जो शर्ट्स टॉप है वो 300-500 की रेंज में इजीली मिल जाएंगे। ऐसे काफी सारी ग्राफिक टी शर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स में, डिजाइन्स में आपको मिल जाएंगी, दैट विल ऑल्सो यू विल गेट इजिली इन 250 रुपीज। एंड ये बाबी वाली टी शर्ट भी बहुत क्यूट थी एंड भैया वो सेइंग दिस फॉर 250 रुपीज। और ऐसे ही आगे चल के ना ये ब्रास की प्लेट्स वगैरह, पूजा थालीज एंड ऑल बोल्स वगैरह मिल रहे थे एंड भैया वो सेइंग दैट दिस इज प्योर ब्रास बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट एनी वेज इसका डिजाइन वगैरह काफी अच्छा था। बिल्कुल सामने ही उसके जहाँ पे वो प्लेट्स बेच रहे थे, यहाँ पे काफी स्मार्ट शर्ट्स थी, इनकी कलेक्शन अच्छी लग रही थी मुझे। एंड अगेन ये कॉर्ड सेट्स वगैरह आपको काफी सारे मिल जाएंगे बट यहाँ के जो कॉर्ड सेट्स है ना, ये सेम जीके में अगर आपको 1000 रुपीज के कॉस्ट करेंगे, यहाँ पे इस मार्केट में इजिली देवर सेलिंग इन 500-600 रुपीज। या यू हर्ड इट राइट, 500-600 रुपीज में आपको फुल कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे। और आगे जाके ये सूट्स भी मिल रहे थे, दीज वर फुल 3 पीसेज ऑफ सूट्स एंड द रेंज वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 800-1500 रुपीज के बीच में। जो स्टार्टिंग वाले थे कॉटन वाले वो आई थिंक 800-1000 के थे और ये ऑर्गेन्जा मटेरियल वाले ये 1200-1500 की रेंज में बोल रहे थे डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड ऑल। ऐसे ये रेड वाला जो मैंने पूछा था तो ही वॉज सेइंग 1500 बट आई थिंक वो इजिली 1000-1200 के बीच में मान जाएंगे। एंड अगर आपको फुल फ्लेज हैवी झुमकास नहीं चाहिए तो छोटे छोटे झुमकास वाले भी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी और ये नेक पीसेज वगैरह एंड बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में तो मैं बोल ही नहीं सकती कितनी वैरायटी है। जैसे तो ब्लू वाले इयररिंग्स पूछे तो ही वॉज सेइंग 150 रुपीज़ ओनली। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी गुजराती मार्केट और ये मार्केट जो कि बहुत फेमस है बोहो बैग्स के लिए। आप लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को कैरी करते हुए देखा होगा, दीज काइंड ऑफ बोहो बैग्स विद स्लिंग्स यू विल गेट हियर, एंडलेस डिज़ाइन है, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। देखो यार, इन बोहो बैग्स को आप डेफिनेटली दोनों तरीके से कैरी कर सकते हो, इंडियन वेयर के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ। और ये मेटल क्लचेस भी, मेटल क्लचेस वो लोग बोल रहे थे 400 के। और ये जो बोहो वाला जो थोड़ा हैवी है ना, ये वाला पीस जो दीदी दिखा
दिखा रही थी, इसमें प्रॉपर कोडियों का काम हुआ हुआ था एंड दिस वॉज हैंडमेड एक्चुअली, उन्होंने कहा था हाथ से किया हुआ है। इसका प्राइस वो 2000 to 2500 का बोल रहे थे, बट आई थिंक आपको 1500 to 1800 में ईजिली मिल जाएगा। और इसकी बेल्ट भी काफ़ी हैवी थी। और जो दूसरा स्टाइल है ये वाला बोहो का स्लिंग बैग है, इसमें स्लिंग भी है और जिप भी है, और ये ईजिली आपको, ये लोग बोलेंगे 800 rupees, बट डेफिनेटली आपको 500 to 600 rupees में डेफिनेटली दे देंगे। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द वैरायटी, इतने सुंदर कलर्स, इतने सुंदर पैटर्न्स, जितना भी मैं देख रही थी मेरे को सारे के सारे पसंद आ रहे थे, बट ऑब्वियसली आई कुडंट टेक ऑल ऑफ देम। जैसे ये ब्लू वाला देखो यार, मिरर वर्क के साथ कितना सुंदर, एंड साथ में ये मैट्स की शॉप थी बहुत। इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन इंडियन और एथनिक वेयर, आपको बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपना घर भी सजा सकते हो। जैसे ये देखो इस कितनी एथनिक टाइप ऑफ होम डेकोर की आइटम्स है मेटल की, और ये बहुत सुंदर थी ये शॉप। और साथ में ज्वेलरी, अगेन देयर इज एन नंबर ऑफ ज्वेलरी यू विल फाइंड। एंड यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी मेन गुजराती लेन। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोहो बैग्स की शॉप दिख जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम बोहो बैग्स है जो मैंने पिछली शॉप पे देखे थे। ये जो बड़े वाले बोहो बैग्स थे वो कह रहे थे हैंडमेड है, और उसका प्राइस 2500 बोल रहे थे। और जो छोटे वाले ये जूट वाला बैग्स भी थे, जैसे स्लिंग बैग मैंने देखा था, इसका प्राइस वो 800 बोल रहे थे, बट एंड में उन्होंने 500 में दे दिया। एंड यही सेम बोहो बैग जो मैंने पहले शॉप में देखे थे, ये 600 बोल रहे थे। मैंने इनको बोला कि पिछली शॉप पे 500 था, बट ही वॉज नॉट अग्रिंग टू इट, तो लास्ट 600 में ही वो मान गए थे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट शॉप थी ये ज्वेलरी की, और इस शॉप पे इतनी सुंदर ज्वेलरी की कलेक्शन थी, आई कैन टेल यू, कड़ाज एंड एशियन स्टाइल मिरर्स, बोहेमियन स्टाइल इयररिंग्स, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स और रिंग्स, इतनी सुंदर रिंग्स थी ना, आप देख ही सकते हो। रिंग्स का प्राइस वो 250-300 rupees बोल रही थी, बट ऑनेस्टली बताऊँ इयररिंग्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा बोल रहे थे। ये वाला जो मिरर है इसका 1200-1500 rupees रेट बोल रहे थे, बट एंड में वो भैया 600-700 में मान गए थे, एंड इनफैक्ट 500 में भी मान जाते, बट मैंने लिया नहीं। और ये वाले इयररिंग्स मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते हो अगर आप बड़े बड़े इयररिंग्स कैरी करते हो। और ये कड़ा का प्राइस उन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 2000-1800 rupees बोला, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे, बट मैंने आगे फर्दर बार्गेन नहीं किया, बट डेफिनेटली आप कर सकते हो। और वो मिरर तो इजीली वो लोग 400 में मान गए थे। और ये जो रिंग्स वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बट ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा प्राइस काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे यहाँ पे, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और ये वाला भी इयररिंग इतना सुंदर लग रहा था ना यार, इसकी क्राफ्टमैनशिप बहुत सुंदर थी। में कोस्टर्स पड़े हुए थे, हैंडमेड ही कह रहे थे, बहुत सुंदर थे, 200 के 6 pieces। और ये साथ में देखो ये रेडीमेड कुर्ती मिल रही थी गुजराती स्टाइल की, बट ये साइज़ नहीं था इसका, तो बहुत सुंदर। अच्छा नेक्स्ट शॉप ही ना, ये क्लचेस बहुत सुंदर पार्टी वेयर क्लचेस थे, अगर आपको देखने हैं तो मार्केट में इजीली 2000 to 3000-5000 rupees के मिलते हैं, बट इस शॉप में इतने सुंदर क्लचेस थे एंड आई थिंक वो 700-800 में इजीली दे रहे थे। ये आप वर्क देख सकते हो, अगर आपको पार्टी वेयर क्लचेस और ये पोटली बैग्स चाहिए ना, तो ट्रस्ट में आप एक बार यहाँ पे आके जरूर देखना। सेम बोहो वाला ईवेल आई वाला बैग मैंने देखा था ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन प्राइस के 3000 rupees। एंड आगे चलते हैं ना, इस मार्केट में ना आपको काफ़ी ज़्यादा गुजराती साड़ीज़, बॉडी फैब्रिक्स में आपको साड़ीज़ मिल जाएंगी। एक्चुअली ब्रांडेड साड़ीज़ होती है, रिजेक्टेड मटेरियल होता है, जिससे ये प्योर क्रेप में साड़ीज़ मिल रही थी, इतने सारे ऑप्शन। और मैंने काफ़ी बुटीक वाली लेडीज़ को देखा हुआ है यहाँ पे आके लेते हुए। ये लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली साड़ी का मटीरियल 5 meters to 5.5 meters होता है, बट यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इन टू समथिंग यूजफुल। आप अपनी मर्जी का कुछ भी ड्रेसेस, कुछ भी गाउन्स, कुछ भी सूट वूट बनवा सकते हो। साड़ी के भी ना गाइज आपको 3000-4000 rupees कोट कर लेंगे, बट आप उसकी बातों में मत आना, इजीली आपको 1000 rupees में मान जाएंगे। एंड ये गुजराती टाइप के लहंगावेज भी मिलते हैं, और ये वाला एक फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी का, और इसका प्राइस ना लिटरली 3000-3500 का बोल रहे थे, बट एंड में खुद वो बोल रही थी आंटी 800-1000 में ले जाओ। बट ये ट्रस्ट में बहुत अच्छा मटेरियल था, ये कानी वर्क इफ यू नो, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्योर वर्क पे कानी वर्क हो रखा था, बहुत सुंदर थी। और जॉर्जेट पे गोटा वर्क और हैवी, काफ़ी सारे हैवी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, विद बॉर्डर विदाउट बॉर्डर ऑल ओवर वर्क, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट। बट ये इस मार्केट में छानना पड़ता है। जैसे ये क्रेप का फैब्रिक भी बहुत सुंदर था, कोट तो कर रहे थे 4000-4500, बट आई थिंक 1000-1500 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। जाके आपको कई रोड्स में बैठी हुई आंटीज मिलेंगी, ये भी साड़ी दे रही थी, और ये गुजराती टाइप के लहंगा तो बहुत मिल जाते हैं, ये भी कहते हैं 1500-2000 rupees। और ऐसे ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी मेरे को, इतनी सुंदर आंटी एक वेस्ट बेल्ट लग रही थी, आप साड़ी के ऊपर या किसी और चीज़ के साथ आप पेयर अप कर सकते हो। और इतनी सुंदर रिंग्स, जैसे नखरे वाली, कादम्बरी, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत डिफरेंट स्टाइल की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स और कड़ाज। आपको देखो हर शॉप वाले अलग अलग प्राइजेस कोट करेंगे, एंड जनरली बता रही हूँ इस गुजराती लेन में ना आपको प्राइजेस थोड़े से एक्सपेंसिव ही वो बोलेंगे, काफ़ी
एक्सपेंसिव बोलते हैं वो लोग। और जैसे देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ना पैच वर्क्स हैं यहाँ पे, आप कपड़ों पे बन लगवा सकते हो, फ्रंट पे, बैक पे, कुर्तीज पे, जैसे भी आप चाहो, ब्लाउज पे डिफरेंट डिफरेंट पैचेस है। और ये लोग ना प्राइजेस बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इतनी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ, आपको बार्गेनिंग काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। एंड अगर आपके पास अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रख लेना, काफ़ी चीज़ें डिफेक्टेड भी होती है तो खोल के देखना ही पड़ता है, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी पड़ी होती हैं, तो ये कुछ दाग ना लगाओ ये सब। और यहाँ पे तो बहु बैग्स की भी भरमार मिल जाएगी। ये वाली आंटी भी 2000 रुपीज़ बोल रही थी, बट अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो ईजिली 1500 मिल जाएगा। आई टोटली अंडरस्टैंड गाइज, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड ही हमें बार्गेन करना चाहिए, बट डेफिनेटली इनकी भी प्राइजेस ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हो पूरी फुल स्ट्रीट ये ही गुजराती लेन है, आप शॉप्स ऐसे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं कपड़ों की, ज्वेलरी की, बैग्स की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की। बट ये वाला जो जनपद है ना, जनपद वाली मार्केट थोड़ी सी आपको कंजेस्टेड मिल लगेगी, बट ये गुजराती लेन वाली काफ़ी खुली डुली है। और काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था उस दिन, बारिश हो रही थी तो लोग भी ज़्यादा नहीं थे, तो बहुत अच्छी कलेक्शन मिल रही थी और अच्छे प्राइजेस में भी लोग दे रहे थे। एंड लास्ट जाते जाते मैं वापस ही जा रही थी और मेरे को स्टार्टिंग में ये वाली शॉप देखी जहाँ पे ये हैंडमेड वाली जैकेट्स मिल रही थी, इनमें हैंडवर्क हो रखा था इतना सुंदर। इनको भैया कह रहे थे आप लूज लूज प्लाजो या पैंट्स बनवा के कर सकते हो, और इसी पूरी वर्क वाली ना फुल ड्रेसेस भी मिल रही थी। ये जैकेट ऐसे मिल रही थी आपको हैंडवर्क वाली, और इसका प्राइजेस वो लोग 3000 कह रहे थे, बट वो भैया मान गए थे 2000 रुपीज़ में। और ऐसे काफ्तान्स और फुल लेंथ के ना आपको फुल ड्रेसेस भी मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैंडवर्क हुआ हुआ था। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ आइटम्स, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शॉप, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और कह रहे थे कि हम कस्टमाइज भी करवा देंगे, तो सारा का सारा हैंडवर्क हुआ था, काफ़ी हैवी ड्रेसेस थी और ड्रेसेस की रेंज भी है 3000 to 4000 रुपीज़ बोल रहे थे, बट आई एम श्योर थोड़ा बोलोगे तो कर देंगे। बट यार यहाँ पे थोड़ा तो एक्सपेंसिव होएगा, बिकॉज बीइंग हैंडवर्क आई थिंक 1500 to 2000 रुपीज़ और 2000 ऑनवर्ड्स फॉर द ड्रेसेस होगा ही रेट। तो ऊपर ये वाले जैकेट स्टाइल टॉप थे इनका, लास्ट वो 2000 रुपीज़ में मान गए थे, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का हैंडवर्क हो ही रखा था। ऊपर स्टाइल के केप्स बने हुए थे जो कि आप ड्रेसेस के ऊपर भी कैरी कर सकते हो, ये भी आई थिंक 1500 to 2000 रुपीज़ में ही थे। एंड गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैं घर के लिए लेके आई थी, ये कोस्टर्स लेके आई थी 200 के 6, और ये बोहो वाला बैग था, और मैंने अपने घर के लिए थोड़ा बेसिक मैट्स वगैरह लिए थे। ये मैट का प्राइस मेरे को बहुत अच्छा पड़ गया, आपको मैट का प्राइस लिटरली वो लोग 1500 to 2000 रुपीज़ बोल रहे थे, बट मैं लिटरली कह रही हूँ 500 में लेके आई हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।